डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले शीर्षक में शेरशाह सूरी और उसके शासन प्रबंध पर चर्चा की थी कि किस तरह शेरशाह ने एक कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की और इतिहासकारों के मतानुसार इसी व्यवस्था पर अकबर ने अमल किया और उसे और भी अच्छे तौर से लागू किया। इसीलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की जो नीतियां थी, जो राजस्व व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक तंत्र था, वह कहीं न कहीं शेरशाह की आरंभ की गई व्यवस्था पर आधारित था। अकबर को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि अकबर से पूर्व जितने भी सल्तनतकालीन शासक या मुगल बादशाह हुए हैं, उनमें से यदि हम शेरशाह को छोड़ दें तो अन्य शासक किसी भी तरह भारत की बहुसंख्यक जनता के साथ एक विश्वासपूर्ण शासन व्यवस्था की नींव नहीं डाल सके। और इन सब में अकबर एक ऐसा बादशाह हुआ जिसने न केवल संपूर्ण भारत की जनता का एक प्रकार से विश्वास बनाए रखने का कार्य किया, बल्कि अपनी धार्मिक नीति, अपनी शासन व्यवस्था, जनता के साथ व्यवहार आदि सब में एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया। यद्यपि इस संदर्भ में इतिहासकारों में भी मतभेद हैं, जैसे कि अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा, अकबरनामा के बारे में कई इतिहासकारों का यह मत है कि अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर की अतिशय प्रशंसा की है और यहाँ तक कि उसकी कमियों को भी अच्छाई के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए अकबरनामा को कई इतिहासकार इस रूप में लेते हैं कि अबुल फजल ने अकबर को इंसान एक कामिल के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिससे कि अकबर की कई खामियां छिपाने का इसमें प्रयास किया गया है। इसी तरह दूसरे जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने कि अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा है, वह हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख, जो कि अकबर के शासनकाल का इतिहास इसमें है, तो बदायूनी ने अकबर की एक प्रकार से आलोचना की है और इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि जहां अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर की अतिशय प्रशंसा की है, वहीं बदायूनी ने अकबर की अतिशय आलोचना की है। इन दोनों के बीच एक तीसरा इतिहासकार जो महत्वपूर्ण है वह है निजामुद्दीन अहमद, जिन्होंने तबकात ए अकबरी में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है। इस तरह अकबर के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने ढंग से लिखने का प्रयास किया है, परंतु हम कह सकते हैं कि अकबर निसंदेह एक ऐसा बादशाह हुआ है जिसके शासन के लिए, जिसकी धार्मिक नीतियों के लिए, जिसकी
राजस्व व्यवस्था और विभिन्न सुधारों के लिए आज भी हम उसे एक अच्छे शासक के रूप में जानते हैं। तो हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह अकबर का प्रारंभिक जीवन व्यतीत हुआ, जबकि हुमायूं दर दर की ठोकरें खा रहा था। शेरशाह से पराजित होने के बाद जब हुमायूं ने भारत से पलायन किया, तो ऐसी परिस्थितियों में दर दर की ठोकरें खाते खाते हुए 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं उस समय एक प्रकार से निस्सहाय स्थिति में था, परंतु फिर भी हुमायूं ने अकबर को बीरसाल के संरक्षण में छोड़कर ईरान की ओर पलायन किया और बाद में हुमायूं के भाई अस्करी ने अकबर को अपने संरक्षण में ले लिया। यद्यपि अस्करी ने अकबर की शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया, परंतु ऐसा माना जाता है कि अकबर ने साहित्य में कोई रुचि नहीं दिखाई, अर्थात लिखने पढ़ने में अकबर की कोई रुचि नहीं थी, परंतु अस्त्र शस्त्रों को चलाने का उसने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। संयोग से जबकि अकबर मात्र 14 वर्ष का था, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई, और जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अकबर पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर था, और वहीं पर अकबर का राज तिलक किया गया और उसे मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर के पास हुमायूं का विश्वास पात्र जो सेनानायक था, जो विश्वास पात्र व्यक्ति था, वह था बैरम खां। अतः जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया तो अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया और उसे खान ए खाना की उपाधि दी, क्योंकि उस समय अकबर अल्पवयस्क था, इसलिए बैरम खां को अकबर का संरक्षक घोषित किया गया और बैरम खां की संरक्षता में ही अकबर ने अगले 4 वर्षों तक शासन किया। इन 4 वर्षों में अकबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यद्यपि हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित कर लिया था और दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार करके एक प्रकार से पुनः भारत का साम्राज्य प्राप्त कर लिया था, परंतु अभी हुमायूं को अपनी शासन व्यवस्था, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना था, किंतु तभी उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में अफगान यद्यपि प्रारंभिक तौर से पराजित तो हो गए थे, किंतु वे पूर्णतया उनका दमन किंतु वे पूर्णतया समाप्त नहीं किए गए थे। अब भी बंगाल पर अफगानों का शासन था और बंगाल के शासक आदिल शाह का सेनापति हिमू जो है आदिल शाह के नेतृत्व में मुगलों को भारत से बाहर करना चाहता था, इसलिए आदिल शाह के सेनापति हिमू ने आगरा की ओर बढ़ना प्रारंभ किया और उसने आगरा पर अधिकार करते हुए वो आगे बढ़ा। उस समय अकबर पंजाब में था और हिमू ने जब ग्वालियर से होते हुए आगरा की ओर बढ़ना आरंभ किया तो आगरा में जो उस समय मुगल सूबेदार था वह हिमू के डर से वहाँ से भाग के दिल्ली की ओर आ गया और इस तरह आगरा पर हिमू का अधिकार हो गया।
अब हिमू दिल्ली की ओर बढ़ा। उस समय दिल्ली का किला जो था तारदी बेग के नेतृत्व में था। तारदी बेग ने यद्यपि हिमू का मुकाबला किया किंतु अंततः वह हार कर वह भी पंजाब की ओर भाग गया। इस तरह दिल्ली पर भी हिमू का अधिकार हो गया। हिमू ने अपने को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उस समय लग रहा था कि मुगलों की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई है। ऐसे में अकबर के अनेक सरदारों ने उसे उसे सलाह दी कि वह भारत छोड़कर काबुल की ओर चला जाए, परंतु बैरम खां ने यह स्वीकार नहीं किया। बैरम खां का मत था कि अकबर को हिमू का सामना करना चाहिए और इस तरह बैरम खां के मतानुसार बैरम खां की सम्मति के अनुसार मुगल सेना ने दिल्ली की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। ऐसी स्थिति में 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हिमू और अकबर की सेना का सामना हुआ और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के युद्ध में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हिमू बड़ी वीरता से लड़ा। हिमू के आक्रमण ने मुगल सेना में खलबली मचा दी, परंतु संयोग से हिमू की आंख में एक तीर जा लगा और वह मूर्छित होकर अपने हाथी के औहदे पे गिर गया। उसके महावत ने उसे सुरक्षित ले जाने का प्रयास किया, परंतु हिमू पकड़ा गया। बाद में अकबर ने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। कुछ का मानना है कि अकबर ने केवल गर्दन छुआई, अपनी तलवार से उसकी गर्दन छुई और बैरम खान ने उसका सिर काट दिया, परंतु कुछ का मानना ये है कि अकबर ने स्वयं हिमू की तलवार से हत्या की और इस तरह हिमू इस युद्ध में पराजित हुआ। और इस तरह द्वितीय जो पानीपत का युद्ध था, इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना को और सुदृढ़ किया। आपको ज्ञात होगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और द्वितीय युद्ध ने उसे स्थायित्व प्रदान करने में एक कदम और आगे बढ़ाया। यद्यपि हिमू मारा गया, परंतु अब भी अफगान मुगलों के लिए खतरा बने हुए थे। बंगाल में आदिल शाह का शासन था, परंतु संयोग से आदिल शाह सूर को बंगाल में खिजर खां ने उसका अंत कर दिया। इस तरह आदिल शाह का अंत हुआ, परंतु फिर भी पंजाब में सिकंदर शाह सूर के अनुयायी और कुछ और अफगान अमीर मुगलों का विद्रोह कर रहे थे। इसलिए सूर वंश के जो दावेदार थे और जो अफगान पुनः शक्तिशाली बनने का स्वप्न देख रहे थे, उनका अंत करना अकबर के लिए आवश्यक था। इसलिए अकबर ने इब्राहिम सूर, खाने जमा आदि को जौनपुर से बाहर किया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 1559 तक जितने भी सूर्यवंश के दावेदार थे उनका अंत कर दिया गया और इस तरह सूर्यवंश के किसी भी दावेदार का खतरा अकबर के लिए नहीं रहा। अब अकबर के समक्ष यह चुनौती थी कि वह अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर सके, अर्थात शेरशाह से पहले हुमायूं के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनको पुनः अपने अधिकार में करने की चुनौती अकबर के समक्ष थी। अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में सफलता से दिल्ली, आगरा, मेवात आदि पर अपना अधिकार किया और धीरे धीरे अजमेर, संभल, ग्वालियर, जौनपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। यद्यपि चुनार, रणथंभौर, मालवा आदि को भी जीतने के प्रयास किए गए,
परंतु प्रारंभ में इनमें सफलता नहीं मिल सकी। इस तरह अकबर ने अपने विजित अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः जीतने का प्रयास किया। अब अगली जो समस्या थी अकबर की वह थी बैरम खान, क्योंकि बैरम खान निरंतर शक्तिशाली बनता जा रहा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि बैरम खान शासन में अपनी मनमानी कर रहा था, क्योंकि बैरम खान एक शिया मुसलमान था और अकबर तथा उसके अधिकांश सगे संबंधी सुनी मुसलमान थे। इसलिए भी अकबर के सरदार अकबर के सगे संबंधी बैरम खां का विरोध करते थे। वे नहीं चाहते थे कि एक शिया जो है अकबर पर इतना प्रभाव जमाए और शासन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। इसलिए दरबार का एक बड़ा वर्ग बैरम खां के विरुद्ध हो गया था। दूसरी ओर बैरम खां भी चाहता था कि अकबर के समीप उसके अतिरिक्त कोई और अमीर न रहे। वह अकबर का विश्वास पात्र बना रहना चाहता था और साथ ही साथ शासन में अपनी मनमानियां भी करता जा रहा था। इन्हीं कारणों से अकबर के हरम में भी बैरम खां का विरोध हो रहा था। अकबर की माँ धाय माँ ये नहीं चाहती थी कि बैरम खां का अकबर पर प्रभाव स्थापित रहे, प्रभाव बना रहे। इसलिए अमीरों के बहकाव में या अमीरों के षड्यंत्र के कारण तथा कुछ अपने हठी स्वभाव के कारण और शासन में अपनी मनमानियों के कारण बैरम खां अकबर की नज़रों से एक प्रकार से अकबर की नज़रों में खटकने लगा। अब अकबर स्वयं वयस्क हो गया था और अकबर चाहता था कि वो अपना शासन स्वयं संभाले। इस स्थिति में अकबर अब बैरम खां की अधीनता से मुक्त होना चाहता था। इन सब कारणों से जो अकबर के शक्तिशाली अमीर थे तारदी बेग, पीर मोहम्मद, ये जो बैरम खां के घोर शत्रु थे, इन्होंने धीरे धीरे अकबर के कान भरने शुरू कर दिए और अकबर को भड़काना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हरम और अमीरों के प्रभाव में आकर अकबर ने बैरम खां के संरक्षकत्व से मुक्त होने का प्रयास किया। अकबर ने बैरम खां से खुलकर झगड़ा करना उचित नहीं समझा, इसलिए वह एक बार शिकार खेलने के बहाने दिल्ली गया और वहां से उसने बैरम खां को उसके पद से हटाने का फरमान जारी किया। बैरम खां को अकबर ने आदेश दिया कि वह मक्का को जाने को तैयार, मक्का को चला जाए, मक्का की यात्रा पर चला जाए। परंतु इस बीच जब बैरम खां पंजाब होते हुए मक्का की ओर जा रहा था तो पीर मोहम्मद ने उस पर आक्रमण कर दिया। इससे बैरम खां बड़ा रुष्ट हुआ, उसने इसे अपना अपमान समझा और उसने विद्रोह कर दिया। तिलवाड़ा नामक स्थान पर बैरम खां की और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां की पराजय हुई। उसने आत्मसमर्पण किया और वह अकबर के समक्ष ले जाया गया। अकबर ने सम्मान सहित उसका स्वागत किया और उसके समक्ष तीन प्रस्ताव रखे कि वह चाहे तो कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाए, या बादशाह के व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में दरबार में रहे, या मक्का चला जाए। बैरम खां ने मक्का जाने का निर्णय लिया, परंतु वह मक्का जाते समय गुजरात में एक अफगान द्वारा मारा गया और इस तरह बैरम खां का अंत हो गया। बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर दिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम का पालन पोषण किया तथा अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। इस तरह बैरम खां के संरक्षकत्व से अकबर मुक्त हो गया। परंतु
बैरम खां के संरक्षत्व से अकबर मुक्त तो हो गया, पर 1560 से 1564 के बीच विद्वानों का मानना है कि इस अवधि में अकबर पर उसके हरम का बड़ा प्रभाव रहा। हरम में जो स्त्रियां थी उनमें अकबर की धाई माँ और अन्य जो महिलाएं थी उनका अकबर पर अनुचित प्रभाव रहा, इसीलिए कई इतिहासकारों ने इसे पर्दा शासन भी कहा है और इतिहास में इस प्रकार के अनुचित प्रभाव की भी आलोचना हुई है। महम अनगा और अन्य जो महिलाएं थी उनका अकबर पर अनुचित प्रभाव के कारण ही अदम खां ज़्यादा प्रभावशाली हुआ और बाद में अदम खां को मृत्युदंड देकर और महम अनगा की मृत्यु के पश्चात ही अकबर जो है हरम के प्रभाव से मुक्त हो पाया। इस तरह अकबर ने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की और प्रारंभिक कठिनाइयों से मुक्त हुआ।